व्यापार मालिनी गौड़ ने 19 दिसंबर को निकलने वाली प्रभात फेरी को लेकर बैठक ली। इस दौरान महापौर ने आयकर विभाग द्वारा रंजीत हनुमान मंदिर को भेजे गए नोटिस पर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार सुबह सुबह इंदौर महापौर मालिनी गौड़ रंजीत हनुमान मंदिर पहुंची। इस दौरान मेयर ने पहले बाबा रंजीत हनुमान के दर्शन किए और फिर मंदिर समिति के सदस्यों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 19 दिसंबर को निकलने वाली प्रभात फेरी सहित आने वाले दिनों में जो मंदिर में आयोजन होने हैं उसकी व्यवस्थाओं की भी जानकारी महापौर ने ली। इंदौर शहर धार्मिक नगरी है और विधानसभा चार में जो हमारा विश्व प्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर है वहाँ लगातार 132 वर्ष से यात्रा निकल रही है और रंजीत बाबा का ऐसा पुण्य प्रताप है कि यात्रा जब से शुरू हुई लगातार उसमें संख्या बढ़ती जा रही है, कई सारे लोग उसमें शामिल होते हैं और भक्त मंडल पूरी व्यवस्था संभालते हैं, प्रबंध समिति पूरा कार्यक्रम निर्धारित करती है और पूरे शहर के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित होती है। इसमें 16 तारीख से 19 तारीख तक के कार्यक्रम हैं और इसमें जो महिलाएं खासकर 51 ध्वज वाहिनी लेकर चलेंगी और बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे इसमें शामिल होते हैं। ये यात्रा रंजीत हनुमान से निकलती है और पूरे क्षेत्र में होती हुई 71 से वापस यहाँ पर मंदिर पर आती है। 16 तारीख को 6 बजे दीपोत्सव भजन संध्या और भव्य आतिशबाजी है। 17 तारीख को सभी लोगों के घर घर जाकर आमंत्रण देंगे यात्रा का। उसके बाद 18 तारीख को यंत्र सिद्धि महाअभिषेक है जिसमें रुद्राक्ष का अभिषेक होगा, 1.25 लाख रुद्राक्ष का अभिषेक होगा और उसको सिद्ध करेंगे। 19 तारीख को विशाल प्रभात फेरी जो मैंने पहले बोला है, जो विशाल प्रभात फेरी 5 बजे से निकलती है तो करीब 8:30 बजे यहाँ समापन होता है। उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है, सभी लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके दर्शन करके जाते हैं और बहुत ही भव्य यात्रा निकलने लगी। करीब 1 लाख लोग पिछले वर्ष थे और अधिक संख्या आने की उम्मीद है। वहीं महापौर मालिनी गौड़ ने प्रभात फेरी के दौरान प्लास्टिक मुक्त यात्रा का संदेश देने का ऐलान किया और जागरूकता झांकी शामिल करने की बात कही। वहीं महापौर पिछले दिनों मंदिर को आयकर नोटिस देने का विरोध भी करती नजर आई और कहा कि ये उचित नहीं है, सभी भक्त इसका विरोध करेंगे। लगातार स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं और चौका लगाने जा रहे हैं, उसमें इस यात्रा में प्लास्टिक भी बैन रहेगा क्योंकि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हम सब लोग कई टाइम से इसका सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक त्याग करें और हमने ये अभियान शुरू भी कर दिया और इस यात्रा में भी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। उसकी एक झांकी भी बना रहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, उसकी एक झांकी भी रहेगी, भगवान का रथ रहेगा और बड़ी संख्या में भजन मंडलियाँ रहेंगी और सभी लोग गाते बजाते हुए इस यात्रा में चलेंगे। बहुत ही उत्साह रहता है इस यात्रा में सभी लोगों का, तो यात्रा बहुत ही भव्य होती जा रही है और पिछली बार 1 लाख लोग थे, इससे अधिक आने की, चूँकि ये भक्ति और आस्था का है, सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और मंदिर जो है वो प्रशासन के अंडर और प्रशासन आयकर का नोटिस दे रहा, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मंदिरों में पहली बार मैंने सुना कि आयकर वाले नोटिस दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, सभी भक्त मंडल विरोध करेंगे यदि ऐसा होता है। फिलहाल रंजीत हनुमान मंदिर में आने वाले दिनों में कई आयोजन होना है, अतः उन्हीं आयोजनों की जानकारी लेने के लिए महापौर ने मंदिर का दौरा किया। कुल मिलाकर अब ये भी देखना होगा कि रंजीत हनुमान मंदिर में आयकर का नोटिस देने का ये विवाद आखिर कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।